आज के सफर में हमारा और आपका साथ देने के लिए मशहूर टैरो कार्ड एक्सपर्ट तारा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग तारा जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव, हैप्पी एंड मैजिकल ट्यूसडे टू एवरीवन। थैंक यू। आप एक नंबर वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कह रहे हैं? एक नंबर वालों के लिए जैसे मैंने बोला मैजिकल, आज लाइफ इज मैजिकल फॉर नंबर वन पीपल एंड रेडी है वो आज हर काम को करने के लिए। आज का काम उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, बिजनेस में, मनी में, करियर में बहुत एकदम तेजी से चीजें मूव करेंगी। जितने भी डिलेज हो रहे थे वो सब आज कैंसिल हो जाएंगे। आज के दिन ट्रैवलिंग भी दिख रही है एक नंबर वालों के लिए, तो आज के दिन उनकी लाइफ बहुत तेजी से चलेगी। उनके पास रिसोर्सेज भी है, एबिलिटी भी है और यूनिवर्स भी उनको सपोर्ट कर रहा है उनकी चीजें करने में, उनको पूरा करने में, उनको कंप्लीट करने में। तो आज का दिन करियर और बिजनेस को लेके बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है। जॉब इंटरव्यूज क्लियर होंगे, पेंडिंग चीजें, डिलेज खत्म हो जाएंगे। इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, जॉब के ढूंढने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन बहुत पॉजिटिव है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है तो आज का दिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट या कहीं और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत प्रॉफिटेबल है। रेड बहुत अच्छा कलर है नंबर वन के लिए, आज रेड का कलर, रेड कलर को यूज कर सकते हैं। हेल्थ में भी अगर पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स चल रही तो आज से चीजें सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। अगर पैसे खर्च हो रहे थे हेल्थ के अंदर, बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे थे या फिर मेडिसिन पे पैसे जा रहे थे, स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था हेल्थ को लेके, तो आज से हेल्थ में धीरे 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 इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी हेल्थ को भी अच्छे से मैनेज करने लगेंगे। सो आज का दिन मैजिकल है, लाइक आई सेड, फॉर नंबर वन पीपल। चलिए भाई, इससे ज़्यादा क्या आपको अच्छा सुनने को मिल सकता है कि दिन की शुरुआत में ही आपको तारा जी ये बता रही हैं कि एक नंबर है अगर आपका, तो आज दिन आपका है। आज सब कुछ मैजिकल मैजिकल सा है और जो प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से थी, चाहे वो किसी तरह की, वो सब खत्म होती आज नजर आ रही है। दो नंबर वालों के लिए आज सितारों का इशारा क्या है? दो नंबर वालों के लिए भी दिन आज का बहुत अच्छा रहने वाला है। आज का दिन बहुत खुशियों का है, कोऑपरेशन का है, लोगों से सपोर्ट मिलेगी। उनके अंदर एक डबल फायर है आज, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने की और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए। आज का दिन वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पावर के अंदर है। जैसा उनका नेचर है, मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, जो कि हमें बहुत इंट्यूशन देता है, पॉजिटिविटी देता है, एनर्जी देता है। तो आज का दिन न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, लोगों से जुड़ा हुआ काम, जहां पे उनको लोगों की सपोर्ट चाहिए या लोगों के साथ मिलके कोई काम करना है, या अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या अगर आप टीचर हैं, तो जहां पे भी आपको लोगों के साथ मिलके काम करना है वहां पे आज आपको बहुत सक्सेस मिलेगी और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम करियर की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो आज का दिन आप कोई भी काम अगर स्टार्ट करेंगे तो काफी लंबे समय तक वो आपके साथ रहेगा। कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें और वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आज बहुत ज्यादा है, इमोशनली बहुत कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, जो भी कर रहे हैं वो पूरे अच्छे दिल से कर रहे हैं। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप में भी बहुत आज हैप्पीनेस है, फैमिली बॉन्डिंग का टाइम है। सो जैसा दिख रहा है कि ये बैलेंस बहुत अच्छे से बनाकर चल रहे हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो आज घर पे भी खुशी है, फैमिली के साथ भी गुड टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी रियूनियन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आज चारों तरफ से इनको हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ भी अच्छी हो रही है। अगर कोई नया फिटनेस रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं या हेल्थ से जुड़ी कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। इनके लिए भी आज का लकी कलर रेड ही है। चलिए, तो दो नंबर वालों के लिए भाई दिन अच्छा है। अगर ऐसा कोई भी काम जहां आपको दूसरों के सपोर्ट की जरूरत है, वहां आज आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, लोग सहयोग करते नजर आ रहे हैं। तो कुछ भी स्टार्ट करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। चाहे अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो और आज आपको वो मौका मिल रहा हो, या फिर कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रपोजल, आज दिन अच्छा है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। तीन नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं?
तीन नंबर वालों के लिए आज थोड़ा मिक्स्ड सा दिन है। काम में जहाँ पे सक्सेस है बट सक्सेस भी टू मच वर्कलोड के साथ है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम को लेके स्ट्रेस है, घर पे भी स्ट्रेस है, आपके स्पाउस के साथ भी स्ट्रेस है। तो कहीं स्ट्रेस की वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं। तो अगर हम देखें काम में जहां पे ये परफेक्शन से काम को कर सकते हैं, क्रिएटिव बहुत ज्यादा है, तीन नंबर वाले लोग क्रिएटिविटी से बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो जहां पे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, जहां पे चीजें अच्छे से मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन के चैंपियन होते हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, वहीं पे आज यही चीज इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। बिकॉज जब हम किसी के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क बर्डन भी उसी समय लोगों ने डाल दिया है, बहुत ज्यादा है इनको वर्क को लेके स्ट्रेस है, जॉब में आज सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आज थोड़े से इंटरव्यूज देने की कोशिश ना करें, आज का दिन अवॉइड करें, दूसरों से हेल्प जरूर मांग लें, आज सब कुछ अपने ऊपर मत लें, क्योंकि अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आज हेल्थ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आज आपको डॉक्टर से रिलेटेड यू नो शाम की तरफ कुछ ना कुछ आपको जाना पड़े डॉक्टर के पास, कोई तकलीफ आपको परेशानी कुछ महसूस हो, अदरवाइज भी स्ट्रेसफुल डे है। और रिलेशनशिप में भी आज आप एक दोराहे पे हैं कि हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं या खत्म कर दें, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, फैमिली में भी थोड़ा सा तनाव बना हुआ है, तो आज थोड़ा सा दिन इनका लो रहेगा अगर मैं बात बोलूँ तो, इनको थोड़ा सा आज रिलैक्स करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे नहीं पहुंचना चाहिए, आज थोड़ा सा रिलैक्स करें और अपने आप को पीसफुल रखें, बोलने से पहले बहुत सोच समझ के आज बात करें। तो तीन नंबर वालों को देखिए भाई, दिन की शुरुआत में आपको इसीलिए तारा जी यहां हमारे साथ जुड़ के बता देती हैं ताकि आप केयरफुल रहिए। तीन नंबर वालों को आज बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। काम जहां भी आप कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा काम खुद ही कर लें आप। टीम इसीलिए होती है, कलीग्स इसीलिए होते हैं कि जो आपके ऊपर काम है, जो प्रेशर है, उसको आप बांट लीजिए दूसरों के साथ। सब कुछ खुद ही कर रहने की जिद आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, परेशान हो सकते हैं। रिलेशनशिप में धैर्य बरतिए, कोई भी फैसला कुछ भी करने से पहले आज का दिन बीत जाने का इंतजार करिए। चार नंबर वालों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, उनके लिए आज का अर्थ क्या कह रहे हैं? चार नंबर वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, हैप्पी टाइम्स है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, आज लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई लॉन्ग टर्म आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस, वो आज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसका आउटकम आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा और आपको प्रॉफिट्स भी होंगे उससे। सो जो भी डिसीजन भी आप आज के दिन लेना चाहते हैं, अगर मैरिज करना चाहते हैं, किसी एक पार्टनर को लेके आप कंफ्यूज हैं कि हम इसके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, तो आज आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और आज आप जो भी डिसीजन लेंगे आप बिल्कुल सही रास्ते पे जाएंगे, आज का दिन आपके लिए गलत नहीं जा सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो रिलेशनशिप में भी आपके साथ बहुत पॉजिटिविटी है। अगर किसी केस का, लीगल केस का या प्रॉपर्टी की आप वेट कर रहे हैं कि आपके फेवर में आए, तो आज का दिन अशुभ रहेगा। तो आज का दिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज के दिन को अच्छे से प्रायोरिटाइज करें, अच्छे से प्लान करें और आज के दिन को बहुत अच्छे से यूज करें, बट साथ ही साथ हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये सब करते करते आपको हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करना है। थोड़ा सा वर्क प्रेशर दिख रहा है, हेल्थ में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, हेल्थ में थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है, तो अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। दिन बहुत ही आपका प्लान्ड है, जो भी चीजें करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, तो टेंशन लिए बिना आज सारे काम करेंगे तो वो अच्छे से होते आपके जाएंगे। तो चार नंबर वालों के लिए भाई आज फैसले का दिन है। जो भी फैसला करेंगे, जहां भी आप दो राहे पर फंसे हुए हैं, चाहे रिश्तों में, काम को लेकर, कुछ स्टार्ट करने को लेकर, कुछ इन्वेस्ट करने को लेकर, तो आज फैसला करिए। जो फैसला करेंगे, ऐसे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आज फैसला आप सही करेंगे, लेकिन सोच समझ के फैसला करिए। फैसला सही करते आप नजर आ रहे हैं, हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। पांच नंबर वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कह रहे हैं? गौरव, पांच नंबर वालों के लिए कार्ड आज ये बोल रहे हैं कि काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, पास्ट में उन्होंने काफी मेहनत करी है जॉब के अंदर,
करियर के अंदर, बिजनेस के अंदर उन्होंने अच्छे से अपना पूरा इनपुट दिया है, तो आज उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है काम को लेके, मनी को लेके, बिजनेस को लेके। बहुत जल्दी जल्दी यार डिसीजंस नहीं ले ले वर्क फ्रंट में या करियर फ्रंट में, क्योंकि जो भी उन्होंने पास्ट में किया है उसका रिजल्ट उनको आज जरूर मिलेगा। तो उनको आज थोड़ा सा आज के दिन डिसीजन नहीं लेना है, जो पुराने काम किए हुए हैं, जो पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो पुराने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, उनके रिजल्ट उनको आज जरूर मिल सकते हैं, बट अपनी तरफ से आज कोई नई शुरुआत नहीं करनी है। जॉब इंटरव्यू के लिए आज नहीं जाना है। अगर बिजनेस में पैसे डालना चाहते हैं तो आज के दिन आप रुक जाएं। आज के लिए आपका लकी कलर मुझे येलो दिख रहा है, जो कि आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा। तो येलो कलर जब मैं बोलती हूँ तो येलो कलर का मतलब है कि आप उस चीज को अपने पास रख भी सकते हैं, खाने में आप इंटेक कर सकते हैं उन चीजों को, या फिर आप उस चीज उस कलर का हैंकी रख सकते हैं, या आप उस कलर को पहन भी सकते हैं। सो आज के दिन येलो कलर को थोड़ा यूज करें, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ को लेके अप एंड डाउन दिखा रहा है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग सकता है कि कभी आपकी हेल्थ अच्छा आपको दिख रहा है, कहीं कभी आपको झुकाव दिख रहा है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को आज आपने बैलेंस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस करना है आज थोड़ा सा। इसीलिए धीरे चलना है, सोच समझ के चलना है। और जहां तक रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप आपके बहुत आज सपोर्टिव रहेंगे। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, आपकी लाइफ में आज कोई ऐसा जुड़ सकता है जो आपको फिनेंशियली भी आगे जाके सपोर्ट करेगा। तो अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, या अगर आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो आप आज ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको फिनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको अच्छी गाइडेंस देगा, आपको अच्छी अच्छी आइडियाज देगा इन्वेस्ट करने के लिए। और रिलेशनशिप वाइज भी आज फैमिली हैप्पीनेस है, फैमिली में आज सब ठीक रहेगा, चीजें आपके फेवर में जाएंगी। बट हेल्थ में जहां अप डाउन है वो सिर्फ आपकी थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जो कि आप अपने काम को लेके ले रहे हैं। तो आज आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स करना है, काम आपका ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स देगा जो आपने हार्डवर्क ऑलरेडी किया हुआ है। तो 5 नंबर वालों के लिए भाई आज रिलैक्स करने का दिन है। आज कोई ना कोई नया आपके साथ जुड़ सकता है, कुछ ना कुछ नया आपके लाइफ में हो सकता है। आपने जो पहले हार्ड वर्क कर रखा है, पहले इंटरव्यू दे रखा है, उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। कोई रिलेशनशिप में कुछ कोई नया इंसान आपके जिंदगी में शामिल हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा। लेकिन इन सबको लेकर स्ट्रेस जो आप ले रखा है अपने काम को लेकर, वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपकी हेल्थ पर भी असर डाल रहा है, तो उसका आपको रखना है ख्याल। रिलैक्स रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका किस्मत कनेक्शन में स्वागत है। तारा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तारा जी, 6 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज? जरूर गौरव, 6 नंबर के लिए आज के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत दिन रहेगा आज उनका। आज के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आज वेकेशन का टाइम है, थोड़ा सा टाइम अपने काम से ब्रेक लें, बिकॉज आपने बहुत काम किया है और हर काम का आपको पॉजिटिव रिजल्ट काफी टाइम से मिल भी रहा है। तो आज थोड़ा सा इंजॉय करें, ब्रेक लें, वेकेशन पे जाएं, ट्रैवलिंग है आज कार्ड्स के ऊपर। और साथ ही साथ अगर आप करियर में या बिजनेस में कोई काम करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ है। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, आपके सीनियर्स आज आपसे बहुत खुश रहेंगे। तो अगर आज आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आज आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तब भी आज का दिन पॉजिटिव है। आज आपको किसी ना किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ आपका, या किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ आपका जो मिलना होगा वो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। नॉलेज गेन का आज डे बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं, कोई एक नई अपने अंदर डेवलपमेंट करना, सेल्फ ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको रिलेशनशिप एडवाइस की जरूरत है। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव दिख रहा है तो आज रिलेशनशिप एडवाइस लें किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से। मेडिटेशन आज के दिन
छह नंबर वालों के लिए बहुत शुभ रहेगी, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में दे आर कॉन्स्टेंट फाइटर्स, अपनी हेल्थ को लेके बहुत केयरफुल रहते हैं। हेल्थ को लेके आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर हेल्थ को लेके कुछ भी इनको स्ट्रेस दिखता है, कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, तो ये खुद ही से ही प्रोएक्टिवली उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का दिन ओवरऑल इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बैलेंस्ड है, कूल है, कंटेंट है। जहां पे भी ये जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, वो इनको आज पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो छह नंबर वालों के लिए भाई दिन बहुत शानदार है। आज बॉस खुश नजर आ रहे हैं आपसे, आपके सीनियर्स आपके काम से बहुत खुश हैं। आज ट्रैवल का मौका मिल सकता है आपको, कुछ प्लान कर सकते हैं आउटिंग के लिए भी। तो इस दिन को एंजॉय करिए और बेहतर बनाइए इस दिन को। छह नंबर वालों के बाद सात नंबर वालों की बात कर लेते हैं। तारा जी, आज इनका दिन कैसा होगा? सात नंबर वालों के लिए भी आज का दिन काफी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है, काफी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। स्टार कार्ड है आज इनके लिए। अगर ये प्रमोशन, जॉब, नेम, फेम, किसी भी चीज के लिए अगर आज ये कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत पॉजिटिव है। आज इनको रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, अधूरे काम इनके पूरे हो जाएंगे। और अगर कोई नया काम आप शुरू करने जा रहे थे और बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, तो आज के दिन आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज के दिन इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, जहां पे भी पैसों से रिलेटेड आप डीलिंग करेंगे, आज आपको मुनाफा मिलेगा। किसी को अगर पैसे दिए हुए हैं, तो आज के दिन अगर आप ट्राई करेंगे, तो आज आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। आज आपको जो भी काम करना है, सिर्फ फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, रिजल्ट आपको अपने आप उसका मिलेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में आप एज इट इज बहुत बैलेंस रहते हैं, बहुत बैलेंस करके चलते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को। तो आज का दिन काफी बैलेंस दिख रहा है रिलेशनशिप में। आप अगर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवलिंग आज आपकी बहुत ज्यादा दिख रही है। सारे ही कार्ड्स ट्रैवलिंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और कुछ रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ेगी। तो अगर आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज थे कि उनके साथ शादी करें ना करें, या फिर अपने पार्टनर को अपने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करें ना करें, आज क्लोजनेस खटे है, तो आज आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज काफी टाइम से पेंडिंग चल रही है, तो आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हाँ का जवाब मिलेगा। और जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में आज काफी प्रोग्रेस दिख रही है। अगर कोई भी आपके साथ अंडरलाइन डिजीजेस थे, आज आप ठीक हो जाएंगे। आज आपके घर वाले भी आपकी हेल्थ को लेके आपके साथ साथ एफर्ट करेंगे कि आपकी हेल्थ को लेके वो आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। तो आज के सारे ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है छह नंबर वालों के लिए। पॉजिटिव रेजोल्यूशन, अगर कहीं कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कहीं आपके कोई केसेस चल रहे थे, लीगल केसेस या कोई भी इश्यूज, तो आज आपकी ही फेवर में जवाब आएगा। तो जो भी चीजें मूव कर रही हैं, वो आपकी फेवर में कर रही हैं। और साथ ही साथ आपको मन के अंदर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे बार बार कॉन्फ्लिक्ट जरूर दिख रहे हैं कि कहीं कोई पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, तो फॉरगिवनेस कीजिए, माफ कर दीजिए, और अपना आप रिजॉल्व कर लीजिए इशू और पैचअप कर लीजिए। तो सात नंबर वालों के लिए भाई दिन बहुत अच्छा है। बस आपको ये रखना है ख्याल कि कई बार चीजों को भूल कर उनको माफ करके गलतियों को आगे बढ़ना बेहतर होता है। आठ नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज? आज का दिन आठ नंबर वालों के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव डे है। एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर बोलता है कि आपके अंदर आज काफी एनर्जी है, काफी ऑप्टिमिज्म है। आज आप जो भी काम करेंगे, एक्साइटेड है उसके लिए, एनर्जेटिक है, एक्टिव है, और नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज जो कि ऑटोमेटिकली आपको फाइनेंशियली, आपके जॉब फ्रंट पे, आपके करियर पे आपको बहुत सक्सेस देंगी। तो आज के दिन अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसको ग्रैब कर लेना है, उसको आपने जाने नहीं देना है, उसको पकड़ के रखना है। कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज आ सकती है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हर तरफ से पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म बनी हुई है।
और जो भी आपके पास चीजें आ रही हैं, अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है मैरिज को लेके या रिलेशनशिप को लेके या बिजनेस करियर को लेके, तो आज की अपॉर्चुनिटी को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, उसको पकड़ के रखना है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज का दिन आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं मनी को लेके, फाइनेंसिस को लेके, तो आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट है। आप न्यू वेंचर्स में जा सकते हैं, नई पार्टनरशिप में जा सकते हैं, नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज अगर आप अपने लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन भी जरूर मिल जाएगा। हेल्थ को लेके भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो आज का दिन आपकी लाइफ को चेंज करेगा, करियर में एडवांसमेंट लेके आएगा और आपके साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज और ऑप्टिमिज्म साथ लेके आ रहा है। तो 8 नंबर वालों को आज किस्मत मौका दे रही है, चौका आपको मारना है। 9 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं? जरूर गौरव, 9 नंबर वालों के लिए कार्ड्स आज क्या बता रहे हैं हम देख लेते हैं। 9 नंबर वालों के लिए आज का थोड़ा सा दिन मूड स्विंग्स का डे है। काम में काफी ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, चैलेंजेस दिख रहे हैं, काम के अंदर डिलेज हैं, चेंज ऑफ प्लान्स है। मतलब आप एक तरफ मन बनाते हैं, आप उसको फिर से चेंज कर देते हैं, एक जगह पे आपका माइंड फिक्स नहीं हो पा रहा, बहुत सारी इम्पल्सिवनेस है। तो बहुत ज्यादा जो ये इम्पल्सिव बिहेवियर है आज आपका, आपको आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, डिलेज लेके आ सकता है। तो अगर आप अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को थोड़ा सा शांत कर लेंगे, लॉजिकली अगर आप चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, तो आज आप फिर भी सेकेंड हाफ ऑफ द डे को कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें, काम में जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं आज, उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, उन पे बहुत ज्यादा रिलाय ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपके काम का फायदा उठाएं और आपको उसका ड्यू क्रेडिट ना मिले। और यही कारण है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और आज कहीं ना कहीं सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जिसमें आपके सामने ट्रुथ भी, जो सच्चाई है सिचुएशन की, वो भी आपके सामने आएगी। तो आज थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में शुरू से ही रखें, ताकि आपका इम्पल्सिव बिहेवियर या आपका जो एक अप्रोच है टुवर्ड्स वर्क, वो आपको आज प्रॉब्लम में ना लेके जाए। रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपका पार्टनर कंट्रोलिंग होने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आज रिलेशनशिप की तरफ से भी बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस बना हुआ है, कंट्रोल है, एंगर है। तो आप आज अपने आप को बहुत शांत रखें, कूल रखें, लॉजिकल रखें। हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, तो आपकी हेल्थ आपका जरूर साथ देगी, तो आपको हेल्थ की तरफ से आज परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट काम में और साथ ही साथ पार्टनर की तरफ से आज आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए तारा जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमारे दर्शकों को आज के दिन का हाल बताने के लिए। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।